हेलो फ्रेंड, वेलकम आई यूट्यूब चैनल आर्टिकल सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख रहा हूँ आपके पल्टिना का इंजन है और पल्टिना जो है काफी पुरानी बाइक है और इसमें जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसमें है गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि गियर नहीं पड़ रहे हैं। और अभी मैंने इसका जो ये स्प्रिंग जो 6 स्प्रिंग होते हैं स्प्रिंग मैंने निकाल ली है और इसके जो बोल्ट होते हैं बोल्ट भी मैंने खोल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्लच व्हील लगा होता है वो भी खोल लिया है, यहाँ पर एक कार्टर लगी होती है वो भी निकाल दिए, क्योंकि इसका जो पार्ट से देखो फ्रेंड, ये है इसका क्लच व्हील, ये इसकी प्लेट जो इसके ऊपर से लगती है और इसके ये जो बोल्ट हैं 8 नंबर के, ये बोल्ट हैं इसके, 6 बोल्ट होते हैं और 6 स्प्रिंग होते हैं और स्प्रिंग इस प्लेट के नीचे लगते हैं। ठीक है, ये इसका बोल्ट हो गया है, ये जो व्हील है इसका बोल्ट चकनट वाला होता है और सीधी चौड़ी होती है इसकी, और अदर डिस्कवर और पल्सर की उसकी उल्टी होती है इस चकनट की, जो ये जो सापड़ वाला बोल्ट होता है इसमें 19 नंबर है फिलहाल और इसकी ये जो क्वार्टर है। ठीक है, हम बात कर रहे थे गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम फ्रेंड, इसकी जो गियर सापट है, क्योंकि इसकी गियर सापट यानी कि देखो मैं अभी आपको गियर निकाल के और यार डाल के दिखाता हूँ, तो इसमें जो गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम है फ्रेंड, देखो अभी ये इस टाइम ऐसा चल रहा है, ये बिल्कुल ना गियर निकल रहे हैं और ना ही पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड अभी मैं इसका ये जो है क्लच सिस्टम निकाल रहा हूँ, यानी ये बोल्ट खोलूंगा और क्लच निकालूंगा बाहर को, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। वैसे वो अधिकतर ऐसी कंडीशन में जो होता है वो गियर सापट में जो स्मॉल स्प्रिंग होता है वो टूटता है या फिर जो गियर सापट का ऊपर वाला नक्का जो होता है वो निकल जाता है, ऐसा होता है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो करता हूँ कट और इस बोर्ड को खोलता हूँ कूलर में फांस के, और ये रहा इसका कूलर। अभी फ्रेंड एयर टैंक में एयर जरा कम थी तो मैंने मशीन से इस दिक्कत से मैं मशीन से नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि एयर से बिना ये मशीन नहीं घूमती है, जो एयर बोल्ट वाली जो मशीन होती है। और अब मैं इसको खोलता हूँ ऐसी, यानी कि एक टूल से खोलता हूँ 19 नंबर की गोटी से और टामी से। ठीक है, करता हूँ वीडियो कट।